श्राद्ध पक्ष की थाली में हम बनाएंगे अरबी की सब्जी, मखाने की रसे वाली, लौकी की खीर और दही बड़े और कचौड़ी उसके साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए शुरू करते हैं श्राद्ध पक्ष की थाली बनाना। श्राद्ध पक्ष की थाली के लिए सबसे पहले अरबी की सब्जी बनाते हैं। सूखी अरबी की सब्जी बना रहे हैं, इसके लिए अरबी को ले लिया है, अरबी को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और एक प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 2 सीटी तक आने तक उबाल लेंगे। अगर गोल वाली अरबी आपको मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो अंदर से ख़राब भी नहीं निकलती है और जल्दी उबल भी जाती है। अरबी उबल गई है, इसको छील के इसके हम 2-2 टुकड़े काट कर तैयार कर लेते हैं। सारी अरबी काट के तैयार कर ली है, चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, उसमें अजवाइन और हींग पाउडर डालेंगे। अरबी की सब्जी में अजवाइन और हींग दोनों से ही अरबी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। अरबी डाल के इसको करीब 5 से 7 मिनट हम पहले भून लेते हैं अरबी को, जिससे कि इसमें जो लिसलिसापन होता है वो थोड़ा सा इसका निकल जाएगा। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की थाली है तो खाना जो है वो एकदम सात्विक बनेगा। अरबी अच्छी तरह बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से भुन गई है, ऊपर से थोड़ा सा कटी हुई अदरक से गार्निश कर देंगे। चलिए अब हम दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी वाली सब्जी आज हम मखाने की बना रहे हैं। इसके लिए हमने 1 बड़ी कटोरी मखाना लिया है, मसाले में 1 टमाटर लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरी धनिया की जो स्टेम्स होती है उसको एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाला है और जो मसाला पीस के रखा है वो मसाला इसमें डालकर हम भून लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मखाने को इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए और 2 से 3 मिसल आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। सिंपल बट वेरी डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। लौकी की खीर बनाने के लिए हमने 1/2 लौकी ली है, इसको अच्छी तरह स्क्रैप करके वॉश कर लिया है। ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है उस तरफ से हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि लौकी के जो लच्छे हैं वो थोड़े से बड़े आए। लौकी अच्छी तरह से हमने पूरी घिस ली है, अगर मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर घिसी हुई लौकी तैयार है। 1 कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालते हैं। हम अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं उसको पहले हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने केवल काजू और बादाम को फ्राई किया है। अब उसी घी में जो हमने लौकी ग्रेट करके रखी है तो लौकी को भी इसमें 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि लौकी में जो थोड़ा सा कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। 1/2 लीटर के करीब हमने यहाँ पर इसमें दूध ऐड किया है और इसको धीमी आंच के ऊपर करीब 12 से 15 मिनट हम कुक कर लेंगे खीर को। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर शुगर ऐड की है और 1 बड़ा चम्मच मिल्क में ऐड किया है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खीर गाढ़ी हो गई है, अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उसको काट लिया है, थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है, अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट और इसको कुक करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और खीर बनकर हमारी तैयार है। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में काली उड़द की दाल ज़रूर खानी चाहिए और दान भी देनी चाहिए, तो इसके लिए हमने काली उड़द की दाल 1 बड़ा ग्लास भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। इसको अब हाथ से अच्छी तरह मलेंगे और इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो छिलका हल्का होने की वजह से चलनी में गिर जाएगा और जो दाल है वो थोड़ी सी हैवी होगी तो वो उसी प्लेट में या जो बोल है उसमें रह जाएगी। इस तरह से हम सारे छिलके निकाल लेंगे, ये देखिए काफ़ी छिलके निकल गए हैं। और इस वाली दाल के अगर आप दही बड़े बनाएंगे तो जो धुली उड़द की दाल होती है उससे भी ज़्यादा ये बड़े जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम दाल को बिना पानी के पीस लेंगे, पल्स मोड में चलाएंगे, थोड़ी देर चलाएंगे, 1 से 2 मिनट फिर बंद कर देंगे, जिससे कि मिक्सी ट्रिप होके बननी होगी। दाल को एकदम चिकना पीसेंगे और हमने यहाँ पे दाल को
बिना पानी के अच्छी तरह से पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसको एक बोल में हम निकाल लेते हैं। थोड़ी दाल जो है वो हम अलग कर देंगे, क्योंकि हम इसी दाल से उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएंगे। अब एक चम्मच की मदद से दाल को अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे, जिससे कि दाल अच्छी तरह फेंट जाए और दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बने। दाल जितनी अच्छी फिटेगी, दाल उतनी हल्की होती जाएगी। थोड़ा सा मिक्सी में जो दाल बच गई थी उसमें जरा सा पानी डाला है, करीब 2 से 3 चम्मच, और वो इस दाल में ऐड कर दिया है, जिससे कि फेंटने में थोड़ी आसानी हो जाए। दाल अच्छी तरह फिटती गई है और दाल हल्की भी अब काफ़ी हो गई है। बोल को अगर हम टर्न कर देंगे तो दाल बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, इसका मतलब है दाल बिल्कुल अच्छी तरह से फिटी हुई है। दही बड़े की दाल में हमने नमक ऐड नहीं किया है। एक भगोने में पानी गर्म कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक और हींग पाउडर ऐड कर लेंगे। पानी को हल्का गुनगुना ही गर्म करना है। पानी को साइड में रख देते हैं। एक पैन में हमने सरसों का तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें दाल की पकौड़ी हाथ से धीरे धीरे डालते चले जाएंगे। हल्के हाथों से पकौड़ी को चलाएंगे, जिससे कि पकौड़ी टूटे नहीं। पकौड़ी अपने आप ही फ्राई होकर ऊपर आ जाएगी, अपने आप ही ये टर्न हो जाएगी। दाल अच्छी तरह फिटी होने की वजह से दाल एकदम हल्की हो गई थी, इसलिए पकौड़ी जो है अपने आप ही तेल में से ऊपर आ जाएगी। सारी पकौड़ी हम निकाल लेते हैं और इसको जो हमने पानी हल्का गुनगुना गर्म किया है उसमें भिगो करके 10 से 15 मिनट रख देते हैं। दही बड़े के दही बनाने के लिए 1 कप दही लेते हैं। यहाँ पर हम ताज़ा दही ले रहे हैं और इसको एक बीटर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही में एकदम गुठली नहीं होनी चाहिए, एकदम चिकना दही होना चाहिए। दही फिट गया है तो इसमें 1/2 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। पानी को बाद में ही ऐड करिएगा, नहीं तो दही फेंटने में परेशानी होगी। कुछ मसाले डालते हैं, सादा नमक, काला नमक, भुना पिसा जीरा, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी पिसी चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले मिला लेंगे। दही बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने दही की पकौड़ी भिगो कर रखी है उसको केयरफुली हाथ से प्रेस करते हुए, जिससे कि पानी सारा उसका निचुड़ जाए पकौड़ी में से, और इस तरह से हम पकौड़ी जो है सारी वो दही में डिप कर देंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, नहीं तो पकौड़ी टूट जाएगी। काले दाल की जो पकौड़ी है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब हम पकौड़ी को, दही पकौड़ी को साइड में रख देंगे। उड़द की दाल कचौड़ी बनाने के लिए गेहूं का आटा लेते हैं, उसमें नमक, सौंफ का पाउडर, हींग पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कलौंजी ऐड करेंगे। मोइन के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब जो हमने दाल निकाल कर, उड़द की पिसी हुई दाल निकाल के रखी थी, वो दाल इसमें ऐड करेंगे और इसी से ही हम आटे को गूंदेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेड़मी पूड़ी का जो प्रीमिक्स है वो हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप उससे भी कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आटा अच्छी तरह गूंद गया है, ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे जिससे कि आटे में पपड़ी ना पड़े, और इसको कवर करके 15 मिनट से 20 मिनट रख देंगे। आटे को एक बार और अच्छी तरह गूंद लेते हैं 15 मिनट के बाद। और चलिए अब इसकी लोई काट लेते हैं। जितने बड़े साइज़ की आपको पूड़ी या कचौड़ी, जो भी आप इसको कहें, बनानी है, उतने बड़े साइज़ की आप लोई काट कर तैयार कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वाली कचौड़ी या पूड़ी बनाना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि अगर आप दाल भर के बनाएंगे तो दाल कभी कभी निकल भी जाती है लोई में से। ये हमने इस तरह से सारी जो पूड़ी या कचौड़ी जो भी है उसको बेल के तैयार कर लिया है। तेल को गर्म कर लिया है। एक एक करके इसमें ये कचौड़ी डालते जाएंगे, एकदम से फूल के ऊपर आ गई है। पलट देंगे, पलट करके भी इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेते हैं। इस तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेती हैं। चलिए अब हम थाली लगाते हैं। श्राद्ध की थाली में एक फल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने सेब रखा है। जितनी भी चीज़ें बनाई है वो हमने सब कटोरियों में लगा दिया है। अगर आपको श्राद्ध की ये सात्विक थाली पसंद आती है तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।